पांडे अंतर्गत ग्राम दोलारी में रहने वाले मुनाजिर पुत्र बन्ने शाह द्वारा एक शिकायती पत्र वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मुरादाबाद के यहाँ दिया गया। शिकायती पत्र में आरोप लगाया गया कि गांव के फिरासत हुसैन पुत्र जाफर पर 1,80,000 रुपए हैं, जो कि वे नहीं दे रहा है। इस बात की शिकायत कई बार पुलिस से भी की गई, लेकिन पुलिस द्वारा कोई ठोस कार्यवाही नहीं की गई। प्रार्थी द्वारा अपने पैसे मांगे जाने पर कई बार उसे मारा पीटा भी गया। स्थानीय पुलिस की कार्यवाही से परेशान होकर प्रार्थी द्वारा SSP को शिकायती पत्र दिया, दोषियों के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की मांग। मुनाजिर जी, आज आप यहाँ आए कप्तान साहब के यहाँ, क्या मामला है? मामला जमीन का था, 9 बीघे जमीन बेची थी हमने। किन लोगों को बेची? हिरासत। कब? हो गई 7 महीने कम से कम। तो आपके समस्या आ रही है? समस्या ये आ रही है, हमसे ये कहती कि हम घर जाके पैसे दे देंगे। ठीक है, और घर जाने के बावजूद भी पैसे नहीं दिए। आजकल करते करते आज 7 महीने हो गए। हमारे कितने पैसे हैं? 1,80,000 हैं टोटल। 1,80,000। ठीक है, किन लोगों के सामने दिए थे? जमीन फूफा के गप्पूपा गवाही है, फूफा है, फिर गाँव के प्रधान के सामने कबूले हैं, हमारे भाइयाँ रौनक उनके सामने कबूले हैं। 1,10,000 रुपये, 1,80,000 रुपये। कैश दिया था आपने उन्हें? उन्होंने मतलब उन्हें जमीन बेची थी आपने? हाँ। उन्होंने नहीं दिए पैसे? नहीं, आज उन्होंने कह दी घर जाकर दे देंगे पैसे, तहसील पे से जाकर घर जाकर दे देंगे पैसे। कौन से थाने का मामला है? मोटा पांडे थाने। आपने कहाँ कंप्लेंट की? मोटा पांडे थाने। अब तो मुरादाबाद करी कप्तान ऑफिस पर। क्या चाहते हैं आप? मेरे पैसे वापसी दे दो, मैं दे चाहता हूँ, मेरे पैसे मुझे वापसी मिलने चाहिए। और लोग भी शामिल हैं उसमें? हाँ, 4 जने शामिल हैं इसमें, 4 जने कर रहे हैं। क्या क्या नाम है? प्रधान जी का वहाँ इस बात की, प्रधान जी के सामने कबूल हुए हैं पैसे, हमारे फूफा आए उनके सामने कबूल हुए हैं पैसे, उनके हिसाब से उनके हाथ से सब कुछ हुआ है। जब आप पैसे मांगते हैं तो क्या कहता हो? ये कहता है कि दे दो, कल को दे दूँगा पैसे, परसों को दे दूँगा। अब जब आप, अब हम लास्ट तब गए तो बोले अब तो मेरा काम हो गया, मेरा दाखिल खारिज हो गया, आप उनसे लिए जाए लो पैसे। धमकी देता है? थाने में शिकायत करी थी आपने? थाने में शिकायत करी, दरोगा से कहा, उन्होंने पैसे भर दिए, वो चुप बैठ गया दरोगा। तो आप कप्तान साहब पे आए? हाँ, कप्तान साहब पे आए हैं। अब हम क्या चाहते हैं? हमारे पैसे वापस दिलवा देता है, मैं और भी होंगे चाहते हैं, कुछ नहीं चाहते। क्या काम करते हैं? मेरा अपना कारखाना है।